हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, अब हम पार्ट 12 जो कि आपका लगभग लास्ट पार्ट बनेगा विलेज पालमपुर की स्टोरी का, और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा फिर, जिसमें आप लोग पेज नंबर 10 पे आ जाइए। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर, हमने फार्मिंग के बारे में पूरा पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, वो एक्टिविटीज़ जो फार्मिंग की कैटेगरी में नहीं आती वो पालमपुर में होती है, कौन कौन सी होती है, कितनी होती है। तो पहले आप लोग इसमें लिखेंगे, पहले आप लोग डालेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर, उसमें मैं आपको एक लाइन लिखा रहा हूँ फिर समझाऊंगा। देखिए एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ, मैं सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा था फार्मिंग में 75% लोग पालमपुर के एंगेज हैं जो फार्मिंग कर रहे हैं, तो बाकी बचे 25% किस में डिपेंड होंगे, नॉन फार्मिंग पे, यानी कि एक बहुत छोटा सा हिस्सा पालमपुर विलेज का किन पे डिपेंड है, नॉन फार्मिंग मेथड पे, नॉन फार्मिंग वाले इनकम सोर्सेज पे डिपेंड है। वो क्या क्या है उसमें, डेयरी फार्मिंग है, चार में नाम लिखे हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ खोल रखी है लोगों ने, दुकानें हैं, और ट्रांसपोर्ट कोई रिक्शा चलाता है, कोई ऑटो चलाता है, तो वो भी है, लेकिन फिर भी फार्मिंग पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है 75%, और इधर नॉन फार्मिंग पे 25%। तो इसमें आप लोग लिखेंगे, एट प्रेजेंट ओनली अबाउट 25% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, ओनली अबाउट 25% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन पालमपुर इज एंगेज इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, इज एंगेज इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, एंगेज engaged एट प्रेजेंट की स्पेलिंग थी PRESENT। तो प्रेजेंटली कितने हैं, मात्र 25% लोग ही नॉन फार्मिंग एक्टिविटी पे डिपेंड है, ठीक है, इतना आप लोगों ने लिखा समझा। अब आप लिखिए, देर आर फोर टाइप्स ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर, चार तरह की नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज पालमपुर में प्रैक्टिस की जा रही है। पहले डालेंगे डेयरी फार्मिंग, पहला पॉइंट डालेंगे डेयरी फार्मिंग, भाई चार तरह की हैं, देर आर फोर टाइप्स ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर, उसमें फर्स्ट पॉइंट है डेयरी फार्मिंग जो गाय भैंस लोगों ने पाल रखी है और उनका दूध पास वाले मार्केट में बेचते हैं, जाके लोगों के घर में पहुंचाते हैं, तो डेयरी फार्मिंग देखिए, और सबसे मोस्ट कॉमन है जो 25% लोग नॉन फार्मिंग में डिपेंड है, सबसे कॉमन क्या है, ये डेयरी फार्मिंग ही है, सबसे ज़्यादा लोग डेयरी फार्मिंग में डिपेंड है। तो इसमें लिखिए, डेयरी इज द मोस्ट कॉमन एक्टिविटी इन पालमपुर, द मिल्क प्रोड्यूस्ड इज सोल्ड इन द नियर बाय विलेज, रायगंज, हमने पढ़ा था रायगंज एक बहुत बड़ा विलेज है पास में पालमपुर के, वहाँ पे ये दूध बिकने जाता है। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज सबसे पहला क्या था, डेयरी, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग डिपेंड हैं, दूध अपना कहाँ बेचते हैं, रायगंज में, ठीक है। सेकंड पॉइंट है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्रियां नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये मत समझिए फैक्ट्रियां होंगी बहुत बड़ी बड़ी, नहीं, छोटी सी हैं जिनमें बड़ी मशीन्स भी नहीं है, सिंपल मेथड है, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर ही काम करती है, कोई मशीन इक्के दुक्के हो तो हो, जैसे हम लोग शहरों में देखते हैं मशीनों पर डिपेंड है सारी मैन्युफैक्चरिंग, वैसा नहीं है वहाँ पे, किस पर डिपेंड है, लेबर पर डिपेंड है। तो आप अगला लिखेंगे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इसमें लिखेंगे अच्छा मैन्युफैक्चरिंग, इसमें MANUFACTURING, इसमें लिखेंगे इन पालमपुर लेस देन 50 पीपल आर एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फुल स्टॉप, इट इज़ डन ऑन स्मॉल स्केल, 50 से भी कम लोग मैन्युफैक्चरिंग पर जुड़े हुए हैं, और वही बहुत स्मॉल स्केल पे होती है, स्मॉल स्केल यानी कि प्रोडक्शन कम होता है, कोई लार्ज मशीन नहीं है, लेबर भी लोगों ने ज़्यादा नहीं लगा रखी है, अपने घर के बंदों को इसमें जोड़ रखा है ना, आप लोग मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कतई है ना समझे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होंगी है ना, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हो रहा होगा, नहीं, छोटे छोटे घर में ही कर रहे हैं है ना, अपने अपने लेवल पे, तो कोई बड़ी मशीन नहीं है, स्मॉल स्केल पे काम हो रहा है, कम प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। सेकंड होपफुल आपने को लिखा हुआ, थर्ड शॉपकीपर, छोटी छोटी दुकानें लोगों की, इसमें क्या करते हैं लोग शॉपकीपर्स में, आप लोग लिखिए द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटीज एंड सेल देम इन द विलेज, लोग क्या करते हैं, शहरों में जाते हैं, होलसेल मार्केट है शहरों में, वहाँ से सस्ते में माल खरीद के लाते हैं और गाँव में उसे बेच देते हैं, ठीक है। होलसेल मार्केट स्पेलिंग WHOLESALE, ठीक
इसमें कोई स्पेलिंग जो हो काम की नहीं, ठीक है, होलसेल मैंने बताई दी आपको। तो ये भी सिंपल सी बात है कि वो लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं, वहाँ से थोक में माल लेके आता हूँ, रिटेल में गांव में बेच देते हैं, उससे प्रॉफिट कमा लेते हैं। फोर्थ और लास्ट है ट्रांसपोर्ट। क्या है ट्रांसपोर्ट? TRANSPORT। ट्रांसपोर्ट मतलब कि रिक्शे वगैरह चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, बुलक कार्ट्स वगैरह हैं, टांगे वगैरह खींचते हैं वो लोग, है ना। तो ट्रांसपोर्ट पर भी डिपेंड है। इसमें आप लोग लिखेंगे मैनी पीपल इन पालमपुर, मैनी पीपल इन पालमपुर आर इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, आर इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। दैट इज मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कैसे लिखना, IE, दैट इज, है ना, दैट इज रिक्शा वालास कॉमा जीप कॉमा ट्रैक्टर एक्सेट्रा, रिक्शा वालास कॉमा जीप कॉमा ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा। रिक्शा वालास की स्पेलिंग है RICK SHA WALLAS, RICK SHA WALLAS। रिक्शा वाला वही रिक्शा वाला, रिक्शे वालों का इंग्लिश वर्ड हो गया रिक्शा वाला। जीप चलाते हैं कोई लोग, कहीं ट्रैक्टर हैं। पीपल ऑल्सो यूज बुलेट कार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट। पीपल आपने फुल स्टॉप लगा हुआ है एक्सेट्रा के बाद, ETC के बाद, उसके बाद लिखना है पीपल ऑल्सो यूज बुलेट कार्ट्स फॉर ट्रांसपोर्ट। बुलेट कार्ट वो आगे वो बफेलो उसको बांध के और टांगे जो चलते थे, तो बुलक कार्ट किस लिए, BULLOCK CART, बुलक कार्ट भी, क्योंकि गांव है, शहरों में तो आज हम हो तो उस चीज़ की मजाक उड़ाएं, लेकिन गांव है, परंपराएं पुरानी चल रही हैं, ट्रेडिशंस हैं, तो वो चीज़ें आज भी वहां पे हैं कि बुलक कार्ट भी लोग यूज़ करते हैं। जीप है, ट्रैक्टर हैं, रिक्शे हैं लोगों के पास, तो उससे भी लोग काफ़ी कमाई करते हैं और धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर वहां पे बढ़ रहा है पालमपुर में। डेयरी तो सबसे मोस्ट कॉमन है ही, इन दोनों में लोगों का इतना रुचि नहीं है और ट्रांसपोर्ट अब धीरे धीरे इंक्रीजिंग साइड पे वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों का ये जो पार्ट 12 था, लास्ट टॉपिक था और पूरा खत्म हो चुका है अब स्टोरियो विलेज पालमपुर। मैंने दोनों चैप्टर खत्म करा दिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन और स्टोरियो विलेज पालमपुर। होपफुली आप लोगों को समझ में आए होंगे, आप लोग कुछ चाहें तो पूछ सकते हैं, मैंने नंबर अपने आप लोगों के साथ शेयर कर रखे हैं। और यही दोनों चैप्टर आप लोगों के जो यूनिट टेस्ट होंगे उसमें भी आएंगे, तो आप लोग ढंग से इसको पढ़ें, बार बार वीडियोस को देखें, नोट्स को अपने पढ़ें और ढंग से तैयारी करें और टेस्ट दें। फिर जब ऑफलाइन आएगा समय तब हम इसको ढंग से पढ़ेंगे सही, लेकिन अभी देखिए हम लोगों ने अभी भी इसको ढंग से और अच्छे से पढ़ा है, तो इस वजह से आप लोग पूरा इस पर डिपेंड रह सकते हैं। नोट्स पर जो मैंने लिखा है, बुक ना भी उठाएंगे तो नोट्स पर भी डिपेंड रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू।